नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। बिहार के नीतीश कुमार ने अब बड़ा कमाल कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त झटका दे दिया है। बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे। तेजस्वी यादव चाहकर भी गृह मंत्रालय नहीं पाए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय में उन्होंने किया बड़ा कमाल। देखिए बड़ी खबर इस वक्त महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। जबरदस्त बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात पैदा ले सकते हैं, इसको लेकर के मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क किया। लालू प्रसाद यादव की बिहार एंट्री को लेकर के नई तस्वीरें सामने आने वाली है, जिस पर करेंगे मुख्य तौर पर सभी चर्चाएं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सुप्रीम कोर्ट का मुक्त रेबड़ी वाले बयान पर कहा, राजनीतिक दलों को वादा करने से नहीं रोका जा सकता, यह वादा करना मौलिक अधिकार। फिर से होगी सुनवाई। इसके साथ जी हां, कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन। देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और महिला सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी पर करेगी हमला। ओम प्रकाश राजभर करने आ जा रहे हैं जी हां भाजपा से बातचीत। हो सकता है एक बहुत बड़ा डील जी हां मंत्रालय में जगह के साथ नीति जी हां हो सकती ही बड़ी खबर। व्हाट्सएप नए फीचर के साथ एक बार फिर से यूजर्स को दिया नई जानकारी। देखिए व्हाट्सएप का क्या है नया फीचर और यूजर्स को मिली क्या जानकारी। इसके साथ बिहार समेत तमाम देश में क्राइम स्तर को कंट्रोल करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। इसके साथ आज की बड़ी खबर बात करेंगे जी हां, कैसे घिरते हुए गोधरा कांड पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। विपक्षियों ने गोधरा कांड पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, जानिए पूरी जानकारी। इसके साथ शिवसेना ने कहा कि हमारे विधायक, हमारे लोग हमारे साथ एक बार फिर से आने को तैयार, हमें समर्थन देने को तैयार। क्या है बड़ी खबर, करेंगे विशेष रूप से चर्चा। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे क्या है छोटी बड़ी सभी खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। जी हां, कन्हैया कुमार ने आज कहा कि मुक्त सरकार जो है यह चाहती है कि 10 साल नहीं, 5 साल नहीं, लाइफ टाइम तक के लिए हम बने रहें। लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि इनके मंत्रालय और इनके मंत्रियों के द्वारा यह ऐलान किया जाता है कि भैया हम 5 सालों के लिए नहीं आए हैं, हम 50 सालों के लिए आए हैं। तो लाइफ टाइम फिक्स अगर होने आए हैं तो जनता आपको यह बताएगी कि किस तरीके से आपकी ये राजनीति का सिलसिला है। राजनीतिक में आप लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ना कि आपको बता दें कि ना कि इन सभी चीजों पर राजनीति की जाती है कि रोजगार कैसे मिलेगा, बेरोजगारी स्तर को कम कैसे किया जाएगा। इन मुद्दों पर तो कभी राजनीति की ही नहीं जाती। राजनीति करने का मतलब है तो सिर्फ भैया इतना ही कि कैसे हिंदू मुस्लिम किया जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीतिकों को अंजाम दिया जाता है। तो एक बार फिर से कन्हैया कुमार के इस बयान के दिए जाने के बाद खबरें अनेकों प्रकार से सामने आ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर जिससे जानना बहुत जरूरी है। आइए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। लालू प्रसाद यादव जी को लेकर के बिहार के नेता और बड़े नेता माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव अब बिहार में एंट्री करेंगे। बिहार में अपने मंत्रियों को ये दिशा निर्देश देंगे कि कैसे बदनामियों से बचते आप नाम कमाने के लक्ष्य पर अपने कामों को कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द बिहार आ रहे हैं, इसके साथ उन पर इस बात को लेकर के चर्चा हो सकती है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव पर CBI और कई ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, जिसको देखते हुए लालू प्रसाद अपने आप को बिहार के राजनीतिक से निगलेट रख रहे हैं, यानी दूर दूर रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या लालू प्रसाद यादव पर भी केंद्र की सरकार कोई कार्रवाई करने के मूड में है, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन आज एक बड़ी खबर आ रही है जो लालू प्रसाद यादव के लिए है कि लालू प्रसाद यादव मंत्रियों को बदनाम ना करते नाम कमाने के उपलक्ष्य में कामों को करने का दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा काम किया। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई कि मुक्त रेबड़ी किसे किसे कैसे कैसे दिया जाएगा। रेबड़ी पर सुनवाई हुई और रेबड़ी पर सुनवाई जब किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मामलों को साफ शब्दों में बड़ा इनकार किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को उसके विचारधारा और उसके साथ उसकी बातों को रखने से नहीं रोका जा सकता, ये हमारा और आपका अधिकार
नहीं हो सकता। वो अपने वादों को कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो वादों को किया गया उसे पूरा किया जाए, इस पर राजनीतिक दलों पर दबाव डाल सकता है, इस पर अपना फैसला सुना सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी पर भी यह कार्रवाई होगी, अन्यथा सिर्फ विपक्ष के राजनीतिक दलों पर ही। तो जो भी चीज़ें होंगी वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि हम जो है वो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी जानकारियों को देते हैं। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। शिवसेना ने अपने ताकतों को तेज करना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वह मजबूत नहीं हुए तो एकनाथ सिंधिया पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ लेकर चले जा सकते हैं। इस बात का डर सता रहा है और डर जो है वो लगातार सामने आ रहा है। जी आपको बता दें कि शिवसेना में एकनाथ सिंधिया के विधायकों को मिली धमकियों के बाद में उन्होंने कहा कि किसी भी तरीकों से अगर कोई आपको धमकी देता है तो हाथ पांव तोड़ दीजिए साहब, फिर आगे देख लिया जाएगा कौन क्या करना चाहता है और किस तरीके से करना चाहता है, इसके लिए आप बिल्कुल भी ना डरें। तो दोस्तों एकनाथ सिंधिया और उद्धव ठाकरे अब आमने सामने हैं। कई विधायक कई लोग जो है एक दूसरे के समर्थन और सपोर्ट के साथ नए तरीके अपनाते जा रहे हैं, लेकिन अब इन नए तरीकों और तकनीकों का क्या मतलब होगा ये तो वक्त के साथ पता चले। शिवसेना अपने नए ताकतों के साथ आगे की ओर बढ़ने के लिए पूरी विचारधाराओं के साथ तैयार है। बढ़ते हैं एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। रिश्वत की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है इस वक्त। जी हाँ आपको बता दें कि एक बार फिर से आजम खान ने बड़ा बयान दिया है। आजम खान ने कहा कि सरकार के इस नियत पर ठोस पहुंचती है कि कभी सरकार भी हिटलर के रास्ते पर सोचना शुरू कर चुकी है। हिटलर भी चुनाव जीता था और आप भी चुनाव जीते हैं, अंतर कुछ नहीं है। आप भी लोगों को डरा धमका रहे हैं, या डराने और धमकाने की राजनीति कितने दिनों तक चलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन आजम खान क्या इस राजनीति से वाकिफ हो गए हैं कि सिर्फ डरा धमका कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बना रहना चाहती है, सत्ता में बने रहने के लिए वह लोगों को डरा रही है, धमका रही है और इस बातों पर चर्चाओं को विशेष रूप से कर रही है। आपको क्या लगता है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, हमें आपके प्रतिक्रियाओं का लंबे वक्त से इंतज़ार रहेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं आजम खान जो हैं अपनी नई ताकतों को देना शुरू कर चुके हैं, अपनी नई बातों को देना शुरू कर चुके हैं। एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा और इसके साथ साथ कई नेताओं की मौजूदगी रही। बिहार में नेता प्रतिपक्ष कौन हो, किस तरीके से हो, इस बात पर चर्चा तेज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि बिहार की राजनीति के अंदर कौन बनेगा सीएम फेस का चेहरा। अगर आज सीएम फेस का चेहरा भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर नहीं करती है तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ भारतीय जनता पार्टी को नीतीश और तेजस्वी की छवि के सामने फिर से चुनाव हारने का वो प्रयास होना पड़ सकता है। और बिहार ही नहीं, बिहार से अलग राज्यों में भी यही चीज़ें मैटर कर सकती है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या लगता है आपको भी कि भारतीय जनता पार्टी एक नए दिशाओं के साथ, एक नए ताकतों के साथ नई चीज़ों को उजागर करने में लगी है? आपको जो कुछ लगता है कमेंट कर जरूर बताइए। ये बढ़ते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी ने कहा कि गोधरा कांड आपको याद होगा, जब 2002 में जी हाँ आप बता दें कि कुछ लोगों ने जिस तरीके से पांच लोगों के साथ लोगों की हत्या की, एक महिला की हत्या की और उसके बाद में उसे जिंदा जलाया गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि उन्हीं के आरोपियों को गुजरात महाराष्ट्र कोर्ट ने दोषी करार दिया था और आज गुजरात में सरकारों ने उन्हें रिहाई के तरीकों से रिहा कर दिया। रिहा तो करिए साहब, छोड़िए कोई बात नहीं, लेकिन अपराधियों को आरती उतार करके रिहा करना यह बताता है कि महिलाओं के सम्मान के रूप में आप कितने ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी सम्मान की बात लाल किले से करते हैं, लाल किले के प्रचीन से करते हैं, वह बताते हैं कि सम्मान कितना ज़रूरी है, लेकिन इसी के साथ आप ये नहीं बताते कि सम्मान कौन करेगा, कैसे करेगा। क्या ये सम्मान है कि गोधरा में हुए कांड के आरोपियों को आप आरती उतार करके उसे रिहा करेंगे? क्या ये सही है? क्या इन बातों पर बातें नहीं होनी चाहिए? इस पर लगातार एक के बाद एक बातों को उन्होंने कहा।
आइए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है तेजस्वी यादव को लेकर के। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के बाद में डिप्टी सीएम बने। जब राजश्री के लाइफ में एंट्री हुई थी तो उस वक्त तेजस्वी यादव सिर्फ बिहार के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे और उसके बाद में तेजस्वी यादव आज डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों के वो मालिक हैं। लेकिन सबसे बड़ी गौर फरमाने वाली बात यह है कि राजश्री के लाइफ में एंट्री के बाद में तेजस्वी के फैन ने कहा कि जय हो राजश्री, आपके लाइफ में आने से तेजस्वी की चमक जो है वो और सितारों की तरफ बढ़ गई। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि राजश्री के आने से तेजस्वी यादव के लाइफ में एक बड़ा बदलाव हुआ है, एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, तो आप इस वीडियो पर बिना किसी देरी के लाइक कर समर्थन दर्ज करना ना भूलिएगा। फटाफट इस पर 5000 लाइक इस बात पर पूरा करिए। आइए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आज जन्माष्टमी से पहले अमूल और इसके साथ सुधा ने अपनी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया। पैकेट बंद दूध की कीमतें आज से बढ़ गई है। देश में इस महंगाई के स्तर को बढ़ते देख लोगों की चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही है। कई मायनों में सरकार के सामने बगावती तेवर अपना लोगों ने कहा कि सरकार की इस नियतियों पर पड़े पर्दे के साथ कई बड़े चीज़ों का पर्दाफाश होता नजर आ रहा है। लेकिन अब तो सरकार इस पर कुछ बोलने के लिए इनकार भी कर रही है। सरकारों को जहां इस पर खुलकर बोलना चाहिए कि आखिरकार दूध पर क्यों रोका गया, इसके साथ तमाम अन्य चीज़ों पर क्यों रोका गया, तो आज सरकार उस पर ना बोल करके वो जीएसटी की मार को और तमाम चीज़ों पर बढ़ा रही है, जिससे उसके खजानों में पूंजीपतियों का सबसे अधिकतम पूंजी पहुँच सके, वह देश की सबसे पूंजीपतियों को अमीर बनाने में और ज़्यादा मदद कर सके। लीजिए, बंगाल में होगा खेला। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बगावती तेवर अपनाया। कहा, कई आपके विधायक हमारे साथ हैं, हम चाहें तो खेला कर सकते हैं, जो आपने खेला चुनाव में नहीं किया वो खेला हम अब कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम विचारधाराओं के बड़े सिद्धांत आदमी हैं और हम ऐसा खेला नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता होगा कि महाराष्ट्र में कैसे खेला हुआ, बंगाल में भी यही खेला और षड्यंत्र रच ममता बनर्जी की मुश्किलों को 4 चौगुना बढ़ा की प्रयास है। इस प्रयास के साथ कहीं ना कहीं जो है वो एक नई दिशा मिल गई है और अब इस पर सरकार का घेराव भी ममता बनर्जी खुद कर सकती हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है ममता बनर्जी को लेकर के, जो सरकार के घेराव में उतरने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि बदनाम करने वाले लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, जो सरकार को बदनाम करें ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। यानी साफ तौर पर बंगाल की सरकार को बदनाम ना किया जाए, इस पर उन्होंने बड़ी बातों को रखा है। आइए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने कई नेताओं की बैठक बुलाई है और देश में विपक्ष को एकजुटता के साथ सरकार के खिलाफ सभी उन कमियों को उजागर करने का आरोप लगाया है, जिस चीज को लेकर के कभी विपक्ष एक होने का दावा पेश करता था। आपको क्या लगता है, कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। हमें आपके इस प्रतिक्रिया का लंबे वक्त से इंतजार रहेगा। बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे।